वेलकम टू अनलॉक फिजिक्स माई सेल्फ अनस खान एंड आई एम फिजिक्स एक्सपर्ट सो क्लास ट्वेल्व स्टूडेंट्स वेलकम यू बैक टू दिस अनदर लेक्चर ऑफ योर इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज एंड जैसे कि आपको पता है वी हैव द इंटायर लेक्चर्स प्रेजेंट ऑफ दिस चैप्टर ऑन अवर यूट्यूब सो यू कैन गो एंड वॉच द इंटायर प्ले लिस्ट जिसमें हमारे इस फर्स्ट चैप्टर के सारे लेक्चर प्रेजेंट हैं जिसमें हमने कोलम्स लो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल गॉस लॉ को कवर किया हुआ है रेस्ट जो हमारा पिछला लेक्चर था दैट वाज अ क्वेश्चन बेस्ड लेक्चर जिसमें हमने कूलम्स लॉ के ऊपर जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमने कवर किए थे जिसमें हमने कूलम्स लॉ और उस पर बेस्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन में कुछ क्वेश्चन हमने किए थे एक सिर्फ आपको इंसाइट देने के लिए कि कैसे क्वेश्चन को हमें करना है कैसे अप्रोच करना है बाकी इट्स अप टू यू टू सॉल्व सम गुड क्वान्टिटी ऑफ क्वेश्चन आप उसको सॉल्व करते रहिए इन केस यू फील एनी डाउट यू हैव डाउट्स आप उनको हमें लिख सकते हैं हमें आप उसकी फ़ोटो खींच के मेल कर दीजिए उसको हमारे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए और हम उस डाउट्स को आपको नेक्स्ट सेशन में हम जरूर लेंगे बट इट्स अप टू यू टू सॉल्व सम गुड क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन ताकि आपको प्रैक्टिस होती रहे क्योंकि अगर हम हर सवाल कराएंगे तो वीडियो का लेंथ तो बहुत बड़ा हो जाएगा तो इट्स इट विल बिकम बोरिंग फॉर यू ऑल्सो तो हम कुछ अच्छे क्वेश्चन छांट के लाते हैं जिससे आपको क्वेश्चंस को समझने का और करने का तरीका समझ में आ जाए तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और इसमें हम कुछ कवर करेंगे सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है वी विल टेक सम क्वेश्चन ऑन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो आपके सवाल आते हैं तो आइए कुछ सवाल देख के हम लोग चलते हैं कि बोर्ड में सवाल कैसे कैसे इस टॉपिक पे या इस चीज़ पर पूछे गए हैं एक ही सवाल मेरे पास है जो ये दो चौदह में आपके बोर्ड में आया था सवाल कुछ इस तरह दिया है यहां पे इन्होंने एक ट्रायंगल दिया है और नीचे बी पॉइंट पे एक चार्ज है प्लस सिक्स क्यू का सी पॉइंट पे चार्ज है माइनस एट क्यू का और कहता है कि जरा पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए इन सबका साइड लेंथ ए ए और ए है ये एक ट्राइंगल है। तो मैं वापस पॉइंट को फिर से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ पॉजिटिव चार्ज की फील्ड जो होती है ध्यान दीजिएगा पॉजिटिव चार्ज की फील्ड जो होती है वो हमेशा चार्ज से दूर जाती है क्योंकि भैया ऐसा काम जो है ये सबको दूर भेजेगा अपने से अगर यहाँ पे कोई एक प्लस चार्ज रखा रख दो यहाँ पे तो इसकी टेंडेंसी क्या है कि भैया हमसे दूर चले जाओ हमारे पास ना हो बिकॉज लाइक चार्जेज रिपेल तो अगर मान ली यहाँ पे प्लस वन कूलम है तो ये छः कूलम का चार्ज इसको अपने से दूर फेंक देगा तो अगर मैं यहाँ पे एरो ड्रा करूँ सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी एट ए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी एट ए जो है वो बी पॉइंट से दूर जाएगी तो यहाँ पे भी ड्रा कर लीजिए समझने के लिए ये कुछ इधर जाएगी अब नेगेटिव है नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को अपनी तरफ बुलाता है तो पॉजिटिव पॉजिटिव में आपस में दोस्ती नहीं होती है तो पॉजिटिव कहता है कि हमसे दूर रहो हमारे पास ना हो हमसे दूर चले जाओ और नेगेटिव कहता है भैया तुम मेरे दोस्त हो तो तुम मेरे पास आ जाओ तो माइनस एट क्यू क्या करेगा माइनस एट क्यू इसको अपनी तरफ बुला लेगा तो अगर हम इसको वापस यहाँ भी ड्रॉ करें सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सी एट ए जो सी में इनवर्ट्स आएगी आपकी तो यहां पर दो वैक्टर बन गए हमारे और जब दो वेक्टर को हमें ऐड करना होगा तो हम यूज करेंगे पैरलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन बट उससे पहले हम इन दोनों फील्ड्स का निकालते हैं मैग्नीट्यूड सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सी एट ए विल बी बॉट के अब जो गलती हमसे यहाँ पे होगी उस गलती को ध्यान दीजिएगा उसको कान खोल के सुनिएगा कि जो गलती आपसे होगी और होने वाली होगी आपसे जब भी हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसी भी चार्ज का हम उस चार्ज का सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे तो जो लोग सो रहे हैं कान बंद करके बैठे हैं सुन लें दोबारा अगर हमें किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो जिस भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे निकालोगे आप तो चार्ज का हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे साइन नहीं लेंगे तो यहाँ पे आप सिर्फ एट क्यू लोगे ना कि माइनस एट क्यू और सेपरेशन कितना सी और ए का ए स्क्वायर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी एट ए विल बी वॉट के इंटू सिक्स क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें एट टाइम्स के क्यू बाई ए स्क्वायर इसको लिख दें सिक्स टाइम्स के क्यू बाई ए स्क्वायर सो लेट के क्यू बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स तो ये बन जाएगा एट एक्स और ये बन जाएगा सिक्स एक्स देयरफोर वी हैव गॉट मॉड ऑफ ई सी एट एक्स एंड मॉड ऑफ ई बी एज सिक्स एक्स तो ये तो हमारे दो फोर्स की वैल्यूज़ आ गई अब बात आती है इनके बीच के एंगल की तो ये जो भाई पूरा एंगल है ये 180 डिग्री है क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल कितना है सिंस इक्विलैटरल है तो ये ये और ये तीनों एंगल बराबर होंगे जो कि 60, 60 और 60 होगा आपका तो अगर ये 60 है पूरा 180 है तो बचा हुआ एंगल कितना होगा इट विल बी 120 डिग्री तो ये जो आपका एंगल है ये दिस एंगल दिस एंगल इज़ 120 डिग्री तो हमारा थीटा कितना आ गया थीटा हमारा आ गया वन ट्वेंटी डिग्री आ गया अब आइए लॉ ऑफ पैरलोग्राम यूज़ करते हैं तो जो पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा मॉड ऑफ ई सी ए स्क्वायर मॉड ऑफ ई बी ए स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ई सी ए बी ए कॉस थीटा ठीक है भाई ई सी ए की वैल्यू कितनी है हमारी ई सी ए की वैल्यू हमारी एट एक्स है तो एट एक्स का होल स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू टाइम्स एट एक्स सिक्स एक्स कॉस वन ट्वेंटी कॉस्ट वन ट्वेंटी की वैल्यू याद कर लें जो बायो वाले बच्चे हैं दैट इज माइनस हाफ इसको याद कर लीजिए तो भैया बन जाएगा एट एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा सिक्सटी फोर एक्स का होल स्क्वायर सिक्स एक्स का स्क्वायर बन जाएगा थर्टी सिक्स का एक्स स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा एट इंटू सिक्स इज फोर्टी एट और फोर्टी एट इंटू टू इज नाइन्टी सिक्स नाइन्टी सिक्स एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वन बाई टू तो ये बन जाएगा आपका सिक्सटी फोर और थर्टी सिक्स बन जाएगा आपका हंड्रेड हंड्रेड एक्स स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा फोर्टी एट एक्स स्क्वायर तो मॉड ऑफ ये कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ फिफ्टी टू एक्स स्क्वायर या एक्स रूट फिफ्टी टू एक्स की वैल्यू कितनी है के केक्वायर इंटू रूट फिफ्टी टू देर फोर पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है दैट इज रूट फिफ्टी टू के क्यू बाय ए स्क्वायर तो ये तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आया मैग्नीट्यूड आया लेकिन हमने वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन भी होगा हमारा अब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं तो पहले हम यहाँ बनाते हैं अपना एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये साइड इसके पैरल हो गया ये इसके पैरल हो गया और जो हमारी नेट फील्ड होगी वो कुछ ये जाएगी ये हमारा ई ए का वैल्यू होगा तो हम ये मानते हैं कि सपोज ये नेट फील्ड इस वाले से जो नीचे है, आपका वेक्टर है ई सी ए इससे कुछ एंगल बीटा बना रहा है तो टैन बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा अब इस फॉर्मूले को याद कैसे करें ध्यान दीजिएगा आप रिजल्टेंट का जिस वेक्टर से एंगल लोगे या रिजल्टेंट का जिस वेक्टर से एंगल नहीं बना है आप इसी वेक्टर को रिजॉल्व करोगे मतलब हम ऊपर लिखेंगे ई बी ए साइन थीटा और नीचे क्या है ई सी ए प्लस ई बी ए थीटा फिर से ध्यान दीजिए अगर मुझे इस फॉर्मूले को याद करना है तो पहले तो हम डायग्राम में देखें कि हमें ये बीटा किस से लेना है आप इससे लो या इससे लो वो आपकी मर्जी है आप किस से डायरेक्शन नाप रहे हो तो मैंने यहाँ पे ले लिया आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो आपकी मर्जी है अब रिजल्टेंट का डायरेक्शन जिस वेक्टर से आप लोगे जिससे आपने बीटा माना है उस वेक्टर को आप रिजॉल्व नहीं करोगे फॉर्मूले में देखो यहाँ पे हमने पूरा पूरा ई ले लिया है बीटा एंगल जिस वेक्टर से नहीं लिया गया है आप उसी को रिजॉल्व करोगे तो न्यूमिनेटर में साइन कॉम्पोनेंट होगा और डिनोमिनेटर में आपका कॉस कॉम्पोनेंट होगा इसकी हम वैल्यूज पुट करते हैं तो ई बी ए हमारा कितना था इट वॉज सिक्स एक्स साइन वन ट्वेंटी ई सी ए था एट एक्स प्लस सिक्स एक्स इंटू कॉस वन ट्वेंटी साइन वन ट्वेंटी बायो वालो बच्चों याद कर लो रूट थ्री बाय टू तो टैन बीटा भैया हमारा बन जाएगा आ, पहले तो हम एक्स सारे हम कैंसिल कर देते हैं तो एक्स गया एक्स गया एक्स गया तो फॉर्मूला बन गया सिक्स साइन वन ट्वेंटी अपॉन एट प्लस सिक्स कॉस वन ट्वेंटी तो भैया हमारा साइन ट्वेंटी बन जाएगा रूट थ्री बाई टू और कॉस वन ट्वेंटी है माइनस वन बाय टू ऊपर यहाँ पे टू से सिक्स गया थ्री बचेगा तो ये बन गया थ्री रूट थ्री और नीचे बन जाएगा एट माइनस सिक्स तो टेन बीटा बन जाएगा थ्री रूट थ्री बाय टू तो बीटा बन जाएगा टैन सॉरी ये थ्री बन जाएगा आई एम रियली सॉरी गलती सबसे होती है तो ये नीचे यहां पे थ्री बन जाएगा ये तो ये बन जाएगा फाइव सो तो तो इट विल बी टैन इनवर्स थ्री रूट थ्री बाय फाइव बात खत्म नहीं यहाँ पे इसका क्या आपको लिखना है विथ Respect टू ई सी ए अब कहानी में आता है ट्विस्ट हमारे सी बी एस ई वाले बच्चे इस आंसर को छोड़ के पूरे पूरे नंबर पा सकते हैं लेकिन ठहरे आई सी एस सी वाले बच्चे आपको कैलकुलेटर मिलता है तो आपको इसको कैलकुलेटर से वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो मैं अब अपना यूज़ करूँगा कैलकुलेटर और मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो थ्री इंटू रूट थ्री डिवाइड बाई फाइव और मैं अगर इसका टाइमर्स करूँगा मैं तो ये आपको देगा फोर्टी सिक्स पॉइंट वन डिग्री तो ये जो वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू फोर्टी सिक्स पॉइंट वन डिग्रीज तो सी बी एस सी वाले बच्चे आपके लिए यहाँ तक कहानी ख़त्म है आपको पूरे नंबर तीन में तीन मिल जाएंगे बट आई सी एस सी वाले बच्चे आपको कहानी यहाँ तक खींचनी पड़ेगी क्योंकि आपको मिलता है कैलकुलेटर तो आपको चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेंगी बाई यूजिंग कैलकुलेटर सो फ्रेंड्स दिस वॉज द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन योर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सिंगल पॉइंट बाई यूजिंग मल्टीपल चार्जेस सिस्टम तो ये तो एक टाइप का क्वेश्चन था जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड से बनता है आइए अब आपको दिखाता हूँ कि कुछ और आसान सवाल इस टॉपिक के ऊपर कैसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि हम फोर्स में कर चुके थे फिर से हम देखते हैं यहाँ पे तो सवाल बड़ा आसान सा है सवाल ये कहता है आपसे कि दो चार्जेस हैं प्लस क्यू प्लस फोर क्यू और इनके बीच का सेपरेशन जो है वो सिक्स ए है अब इन्होंने बोला है कि इस लाइन के अलॉन्ग एक पॉइंट निकालिए जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होगा तो वही काम करते हैं सपोज़ मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे फॉर टाइमिंग एक पॉइंट ले लिया सपोज एक पॉइंट है और मान लो यहाँ पे एक कूलम रखा है फिर वही कहानी है प्लस है प्लस है ये कहेगा भैया हमसे दूर चले जाओ तो ये चार्ज इसको अपने से दूर भेज देगा सेम गोज फॉर दिस प्लस है प्लस है तो ये भी कहेगा भैया हमसे दूर चले जाओ तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट right में जा रहा होगा तो इस पॉइंट पी पे इन इसका फील्ड इसका फील्ड दोनों राइट right में जा रहा है तो यहाँ पे नेट फील्ड ज़ीरो नहीं हो सकता है तो हम ये पॉइंट या ये रीजन हम डिस्कार्ड कर रहे हैं हम लोग ये सेम यहीं पे सेम यहाँ पे भी यही हाल होगा यहाँ पे यहाँ पे लोग देख प्लस वन कूलम तो ये प्लस वन ये इसको अपने दूर भेजेगा और ये भी इसको अपने से दूर भेजेगा तो यहाँ भी इस वाले स्पेस में आपका नेट फील्ड ज़ीरो नहीं हो सकता है तो हमने क्या किया हमने लाके यहां पर हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया पी सपोज यहां पर एक कूलम है तो ये प्लस ये प्लस अपने से दूर भेजेगा ये प्लस ये प्लस इधर दूर भेजेगा तो दोनों वेक्टर देखिए आपस में हो गए एंटी पैरेलल और कहीं ना कहीं दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा और वहां पे वैल्यू जीरो आपकी आ जाएगी आपकी तो हम यहां पे आप कुछ लेबलिंग करते हैं ए बी तो पॉइंट पी पे ए का फील्ड क्या होगा इट विल गो टूवर्ड्स राइट हैंड साइड और बी का फील्ड पी पे क्या होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा दोनों के हम एरो बना देते हैं इसकी हमें जरूरत नहीं है सो वॉट इज हैपनिंग इट इज दैट इस पॉइंट पे नेट फील्ड जीरो है और कौन कौन से दो फील्ड हैं ई ए पी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सॉरी ऑफ ए एट पी electric field of B at P. So we can write E A plus E B is equal to zero. Therefore, E A is equal to minus of E B P. Or in K मैग्नीट्यूड्स जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे तो ई ए कितना होगा के क्यू बाय सेपरेशन तो ए से पी की दूरी हम एक्स मान लेते हैं अपॉन एक्स स्क्वायर के इंटू फोर क्यू और बी से पी की दूरी कितनी है इट इज़ सिक्स ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो के क्यू के क्यू ये बन जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर फोर अपॉन सिक्स ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर या सिक्स ए माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर फोर बन जाएगा टू का होल स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो सिक्स ए माइनस एक्स अपॉन एक्स और रूट लेंगे तो प्लस माइनस टू बनेगा क्योंकि फोर जो है टू के स्क्वायर से भी आएगा फोर जो है वो माइनस टू के स्क्वायर से भी आएगा अब हम दोनों रूट सॉल्व करते हैं तो सिक्स ए माइनस एक्स इज इक्वल टू टू तो सिक्स ए माइनस एक्स इज इक्वल टू टू एक्स तो सिक्स ए इज इक्वल टू थ्री एक्स तो एक्स इज इक्वल टू सिक्स ए बाई थ्री एक्स बन जाएगा टू ए सिक्स ए माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस टू सिक्स ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टू एक्स सिक्स ए इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस एक्स तो एक्स बन जाएगा माइनस सिक्स ए तो ये हमारी दो वैल्यूज़ आ रही हैं हम इसको डिस्कार्ड करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या माइनस सिक्स ए और ये हम एक्स कहाँ से नाप रहे हैं हम एक्स यहाँ से नाप रहे हैं तो यहाँ से ये डायरेक्शन पॉजिटिव है ये डायरेक्शन नेगेटिव है माइनस सिक्स ए का मतलब क्या है इस चार्ज से लेफ्ट में पॉइंट लाई कर रहा होगा और जो कि हम पहले ही डिस्कार्ड कर चुके हैं तो हम इसको डिस्कार्ड करते हैं एंड दिस इज आवर आंसर दैट द पॉइंट इज लाइंग एट x इज इक्वल टू टू ए कहाँ से फ्रॉम प्लस क्यू चार बी आर डिस्कार्डिंग दिस पॉइंट दिस इज नॉट द आंसर एंड द आंसर इज प्लस सॉरी टू ए फ्रॉम प्लस क्यू तो दोनों क्वेश्चन में गलती क्या हमसे होती हैं जो हमने पहले भी किया है आखिरी में डायरेक्शन निकाल के हम ये लिखना भूल जाएंगे कि हम किसके रिस्पेक्ट में नाप रहे थे इसको लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ये आंसर का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है सेम गोज फॉर दिस ये डिस्टेंस कहाँ से नाप रहे हो उसको आखिरी में लिखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज डिस्टेंसेस आप कहाँ से लेकर रहे हो क्योंकि हो सकता है कुछ लोग सवाल में एक्स यहाँ से नाप रहे हो आप बिल्कुल कर सकते हो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एक्स यहाँ से नापना है यहाँ से नाप नहीं नाप सकते हो रेफरेंस आपके ऊपर है अगर आप यहाँ से नाप रहे हो आंसर में फ्रॉम प्लस क्यू लिखना ना भूलिएगा आप यहाँ पे तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस थे जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में आपसे पूछे जाते हैं अब आइए कुछ और सवाल देखते हैं जो आने की आपकी पॉसिबिलिटी बनती है एग्जामिनेशन में आपकी हम अगला सवाल आपका यह है कि यहां पे एक स्क्वायर टाइप का फिगर दिया हुआ आपको और स्क्वायर में क्या किया है स्क्वायर के तीन वर्टेक्स पे ए बी और सी पे यहां पे चार्ज क्यू है यहां पे क्यू है और यहां पे क्यू है और कहता है हमें पॉइंट डी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो फटाफट वेक्टर बनाते हैं तो ए पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी फील्ड जो होती है वो इससे बाहर निकलती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी ड्यू टू इज लाइक दिस सी पे चार्ज है सी पे चार्ज पॉजिटिव है तो सी की फील्ड उससे दूर निकलेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी ड्यू टू सी इज़ लाइक दिस अब एक चीज ध्यान दीजिएगा इन दोनों का जो लेंथ है वो सेम बनाइएगा क्योंकि इस पॉइंट से दोनों चार्ज बराबर दूरी पे हैं और दोनों चार्ज बराबर मैग्नीट्यूड के तो इस फील्ड वेक्टर का लेंथ और इस फील्ड वेक्टर का लेंथ बराबर बनेगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री। अब हमें एक काम और करना है हमें ये लेंथ बी डी निकालनी है तो ट्राइंगल बी सी डी में जो राइट एंगल ट्राइंगल है तो ए ए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू डाइगनल का स्क्वायर तो टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर तो बी डी बन जाएगा ए रूट टू बन जाएगा अब अगला वेक्टर हमारा बनता है ये ये नीचे पॉजिटिव है तो इसकी फील्ड जो होगी वो डायंगल के अलॉन्ग जाएगी यहाँ पे तो ये फील्ड जो आपकी होगी वो कुछ ऐसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी ड्यू टू सॉरी ड्यू टू बी होगा अब आइए इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी ड्यू टू ए निकालते हैं तो ये बन जाएगा के क्यू स्क्वायर सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी ड्यू टू सी विल बी ऑल्सो इक्वल टू के क्यू बाय ए स्क्वायर इसको हम एक्स और एक्स मान लेते हैं तो यहां पे तीन वेक्टर हैं एंड बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि नेट फील्ड एट पॉइंट डी इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स अब तीन वेक्टर को जोड़ने का कोई फॉर्मूला तो हमको पता नहीं है तो पहले हम दो को जोड़ के एक बनाएंगे फिर जो उससे एक बनेगा उसको हम तीसरे में जोड़ेंगे तो अभी हम यहाँ पे ई डी ए और ई डी सी को आपस में जोड़ रहे हैं जो नब्बे डिग्री पे आपस में अपार्ट हैं सो लेट इवन बी दट ऑफ ई डी ए एंड ई डी सी तो इसका जो मॉड आएगा सिंस दोनों नाइंटी डिग्री अपार्ट हैं सो इट विल भी इक्वल टू ई डी ए स्क्वायर प्लस ई डी सी स्क्वायर इसमें कॉस्ट नाइन्टी का टर्म जीरो हो जाएगा तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू एक्स स्क्वायर देयर फोर मॉड ऑफ इवन इज एक्स रूट टू ये तो ई डी ए और ई डी सी का रिजल्टेंट आया अब दूसरी चीज सिंस दोनों वैक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं इस पॉइंट को ध्यान सुनिएगा इसको लिख लीजिएगा जब दो वैक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं रिजल्टेंट उनको बाइसेक करता हुआ जाता है मतलब जो ईवन होगा इवन आपका कुछ ये जा रहा होगा आपका ईवन क्योंकि ईवन जो है वो EDC और EDA का रिजल्टेंट है और EDC और EDA आपस में बराबर हैं तो जो उसका नेट होगा वो उन दोनों को बाइसेक्ट करके जा रहा होगा तो ईवन जो है वो डायगनल के अलोंग होगा और ई के साथ जा रहा होगा सो वी कैन राइट दैट लेट द नेट फील्ड बी ई डी तो मॉड ऑफ ई डी क्या होगा भाई ई डी कैसे आ रहा था इन तीनों को जोड़ने पे इन दोनों को जोड़ने पे ये आया और अब ये वेक्टर जो होगा वो इसमें जुड़ेगा और ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में देखो एक लाइन के लॉन्ग जा रहे हैं तो so, आप सिंपली इनके मैग्नीट्यूड को जोड़ सकते हो इट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ ई वन प्लस मॉड ऑफ ई डी बी तो मॉड ऑफ ईवन कितना है इट इज एक्स रूट टू तो रूट टू एक्स की वैल्यू क्या है के क्यू बाय ए स्क्वायर ई डी बी क्या है के क्यू सेपरेशन क्या है डी और बी का डायगनल है कितना है ए रूट टू तो सेपरेशन का होल स्क्वायर तो मॉड ऑफ ई डी बन जाएगा रूट टू के क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस केक्यू बाय टू ए स्क्वायर तो यहां पे हम के क्यू बाय ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं अंदर बचेगा रूट टू प्लस वन बाय टू तो ये बन गया KQ बाई ए स्क्वायर सिंप्लीफाई करते हैं टू रूट टू प्लस वन अपॉन टू सो द नेट फील्ड एट पॉइंट डी ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस इज दिस मच सो फ्रेंड्स द क्वेश्चन जो आपके वोर्ड में पूछे जा चुके हैं एंड बेसिकली इस इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक से आपके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे ही सवाल आपसे पूछे गए हैं सो दीज थ्री क्वेश्चन आपको इतना इंसाइट आपको दे, दे देंगे कि हमको कैसे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में प्रोसीड करना है और हमें किन किन क्वेश्चन के लिए हमें फ़ोकस करना है आगे आगे जा, आगे जाके बोर्ड एग्जाम के लिए तो आपके पास जो भी किताब है आप उससे प्रैक्टिस करते रहिए अगर आपको इन बिटवीन कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ प्लीज़ डू राइट टू अस प्लीज़ डू सेंड द इमेज प्लीज़ डू सेंड द फ़ोटोज़ ऑन अवर मेल आई डीज ऑन अवर इंस्टाग्राम हैंडल्स और ऑन टू अवर कॉमेंट सेक्शन हम उसको देख के आपके डाउट्स को ज़रूर क्लियर करेंगे बिकॉज़ आवर मोटिव इज दैट यू गेट गुड थिंक फ्रॉम आवर चैनल ताकि आपको आगे आने वाले अपने एग्जामिनेशन से आपको हेल्प मिल सके सो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू अस वी आर अवेलेबल एट ऑल द टाइम्स अगर हम नहीं भी मिलते हैं तो हम जब भी आपके क्वेरीज को देखेंगे उसको हम जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे बाकी आप इस वीडियो को देखिए अगर आपको ये पसंद आती हैं तो आप हमें लाइक करें शेयर करें हमसे नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें सब्सक्राइब करें हमें मोटिवेट करें ताकि हम आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो दे सकें Till then friends, stay healthy, stay safe. Thank you very much.